Question number 2. How do Mendel's experiment show that the traits are inherited? How do Mendel's experiment show that traits are inherited independently? Sir, second one आया. Second question ही हम करा रहे हैं. Second खुशी आई है. So Mendel ने अपने experiment से कैसे ये prove किया कि traits independently inherit होते हैं. So in his dihybrid cross of pea plant. अभी बात मत करो. इन डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ पी प्लांट, ठीक है, पी प्लांट पे किया. सो ही क्रॉस्ड ओवर. उन्होंने किसको किसको क्रॉस्ड ओवर किया? ही क्रॉस्ड ओवर, बिल्कुल सही है, होमोजाइगस टॉल प्लांट विद, उन्होंने होमोजाइगस फर्स्ट को कराया, सेकंड नहीं, फर्स्ट कराया, थर्ड कराया. होमोजाइगस टॉल प्लांट विद होमोजाइगस, होमोजाइगस सर रिवॉल्यूशन हट गया ना, ड्रॉप प्लांट. तो इन दोनों का उन्होंने आपस में क्रॉस कराया. एंड उसमें क्या कराया, ड्यूरिंग क्रॉस पॉलिनेशन ही फाउंड, ड्यूरिंग क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ पेरेंटल क्रॉस. सर एक बार मैसेज देखो ना जी, क्या पता किसी का आ है. उन्होंने क्या पाया, ठीक है, उन्होंने ये, he found that कि in F1 generation, that in F1 first filial generation, बताओ अगर उन्होंने ऐसा कराया क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो टॉल का नहीं कराया होगा, येलो ब्राउन सीड्स का ना, ग्रीन फिंगर्स, और दूसरे सीड्स का हमें बताइए, ग्रीन फिंगर सीड्स, ग्रीन ड्यूरिंग क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ सीड्स, तो उसका कराया. और ये क्या पाया बताइए F1 जनरेशन में, ही फाउंड F1 जनरेशन दैट जो टाइप्स ऑफ सीड्स है वो कैसे कैसे हैं, टाइप्स ऑफ सीड्स आर येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, येलो को कैपिटल लिखो, ठीक है, ग्रीन राउंड, और चौथा क्या सर, ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन फिर इसका आपने करवाया भी था, ठीक है, इन रेशो, इन रेशो ऑफ 9:3:1 ऐसा उन्होंने पाया. यस सर, ऑन फर्दर इंस्पेक्शन ऐसा उन्होंने पाया ना, येलो ये चीज की. और ऐसा उन्होंने कब पाया बताइए, F1 में पाया कि F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में पाया. सो ठीक है, ड्यूरिंग क्रॉस पॉलिनेशन ही फाउंड दैट इन F2 जनरेशन आर इन दिस रेशो, उससे F1 जनरेशन आई फिर F2 आई. तो ही फर्दर इंस्पेक्टर, उन्होंने फर्दर क्या इंस्पेक्ट किया, फर्दर फाउंड दैट रेशो ऑफ येलो वर्सेस, सर ये क्वेश्चन क्या है, क्या ग्रीन सीड्स इज फाउंड टू बी 3:1, यानी जो उनके ट्रेड्स है वो इनडिपेंडेंटली इनहेरिट हुए. क्या टॉल वर्सेस ड्रॉप करते तो क्या F2 जनरेशन में 3:1 का रेशो पाते, और इसमें भी क्या, तो दिखने में कुछ अलग सा रेशो लग रहा है, लेकिन इंडिविजुअली इंस्पेक्ट करो तो, ये तो क्या ये वही रेशो है. तो यानी डाई हाइब्रिड कराओ या ट्राई हाइब्रिड, लेकिन जो इंडिविजुअल का रेशो होता है तो वो दूसरे के द्वारा प्रभावित नहीं होता.
दैट मीन्स द ट्रेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली. क्वेश्चन क्या कहा गया है कि प्रूव दैट इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट दैट ट्रेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली, के उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसका दूसरे से मतलब नहीं है. अगर हमारे बीच में जो ब्लू आइड और ब्राउन आइड का रेशो है वो 1:3 है तो वो वही रहेगा, वो चाहे दूसरे ट्रेड्स भी अदला बदली करते रहें. मैनी ट्रेड्स आर एक्सचेंजिंग विद इन अस बिकॉज वी आर ठीक है प्रोफ्यूज्ड विद 50,000 ट्रेड्स. हमारे अंदर 50,000 ट्रेड्स हैं तो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही रहा है, फ्री फ्लो हो रहा है. ठीक है, नाउ found that yellow versus green it is like this and round versus wrinkled kya hai 3:1 this clearly proves that the traits are inherited independently. This clearly proves that the traits तो टाल प्लांट और डॉग प्लांट में क्या होता है, टाल प्लांट एंड डॉग प्लांट में ये टीटी होता है और ये क्या होता है बच्चों की होमोजाइगस है और जीन हमेशा तो ये क्या पेरेंटल क्रॉस है. तो पेरेंटल क्रॉस में ये क्या चीज है, दैट इज पेरेंटल जीनोटाइप. तो जीनोटाइप के कौन कौन से जीन बने, टी और टी सर जीन हमने गैमेट बनाए जेमीट बन गए और इसके क्या बने फिर इनके अब ये टाइप ऑफ जेमीट्स क्रॉस पॉलिनेशन और इनका हमने जो है क्रॉस पॉलिनेशन कराया और फिर इसका भी इसके साथ भी कराया. ठीक है, तो ड्यूरिंग क्रॉस पॉलिनेशन भी लिख सकते हो या क्रॉसिंग ओवर. तो हमने ये पाया कि जो F1 जनरेशन है उसमें टीटी हुआ और टीटी और तो ये F1 का क्या हुआ सब टॉल और F1 का फीनोटाइप क्या हुआ दैट इज ऑल टॉल. लेकिन इन्हीं में से अगर मैं पेरेंटल क्रॉस की जगह इंसर्ट हूँ कि अब तुम क्रॉसिंग ओवर करो तो क्रॉसिंग ओवर में जब मैं टॉल और डॉफ का करा रहा हूँ तो F1 क्रॉस में जो पेरेंटल फीनोटाइप है वो क्या होगा फीनोटाइप पीयूष जी बताइए पेरेंटल फीनोटाइप क्या क्या होगा. मैं बताऊँ रुक जाए देखे कुछ समझ में भी आता है कि ऐसे ही है बस आप बैठने आ जाते हैं. हाँ बोलो बोलो वेरी गुड. सो दैट इज फीनोटाइप में जैसे मैंने बताया टॉल और पेरेंटल जीनोटाइप में टॉल. ठीक है, इसके गैमेट्स क्या बनेंगे पीयूष चौधरी बोलो. कैपिटल टी और स्मॉल सो टाइप ऑफ गैमेट्स type of gametes so t or t और ये the small t और ये चीज हो गई बात समझ आ गई. तो अब इनका भी क्रॉसिंग ओवर करो और क्या इनका सेल्फ पॉलिनेशन करो. सेल्फ करें क्रॉस करें उससे हमें लेना देना नहीं है, आपस में डाल दीजिए कहीं पे भी कुछ भी करें. अब क्योंकि ये सब एक ही जैसे हैं तो कुछ भी करेंगे यहाँ पर उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, अदरवाइज इट वॉज नेवर नीडेड क्योंकि जब सब एक जैसे तो तुम इसका इसमें करा उसका इसमें सब एक ही टाइप के ही तो हैं तो जरूरी नहीं है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन लिखना. बुक में लिखा रहता है तो मैं लिख दे रहा हूँ. अब ये देखो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, साथ. तो ये क्या हुआ टी 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 अब ये टी टी
पीयूष जाट ये क्या है, मैं इसके लिए यहाँ क्या लिखूं? मैं बोलू? बोलो क्या ट्रीना? और क्या कैटरीना आप मुझे बताएंगे कि इसका फीनोटाइप क्या है? फीनोटाइप ये टॉल और टॉल और ये क्या डॉग हुआ? अब ये मुझे बताओ कि जो टॉल इसकी जो रिपोर्ट बनेगी यहाँ इसकी रिपोर्ट क्या बनी? All plants I tall all of F1 generation genotype capital T small T. लेकिन इसकी रिपोर्ट क्या बनेगी? In F2 generation. जो टॉल वर्सेस डॉग का रेशो है, इस 3:1 तो क्या आप मुझे बताइए कि ये जो मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया है और यहाँ पर डाई हाइब्रिड कराया है, ठीक है, तो ये एकाकी संकरण है और वो द्विसंकरण है, तो इन दोनों प्रकार के क्रॉसेस में हमने क्या बात नोटिस की? क्या वो जो जीन फ्लो है वो इंडिपेंडेंट है? क्या वो 3:1 के ही रेशो में रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में वो रेशो बदल गया हो इंडिविजुअली? फर्स्ट में नहीं होता, सेकंड जनरेशन में पता चलता है। फर्स्ट में तो लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता है, फर्स्ट में तो सब, इसमें भी सब कौन से आएंगे? क्या इसकी एफ1 जनरेशन में सारे येलो राउंड नहीं आ जाएंगे? सेकंड जनरेशन में चीजें पता लग पाती है, क्योंकि सेकंड जनरेशन में हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर ये जो लॉ लगाया गया है वो कौन सा लॉ है? बोलो अमरा, कौन सा लॉ है? इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ डाई हाइब्रिड है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और यहाँ बेटा कौन सा लगाया गया है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उनकी अलग अलग प्रकार से छटनी हुई है। दूसरा नाम क्या है? ये सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उसके बेसिस पर तो हमने वेरीफाई किया है कि इंडिविजुअल ट्रेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिविजुअली, तो एट ए ग्रॉस इट लुक्स लाइक कि उनका कुछ अलग ही रेशो है। लेकिन अगर हम आंखों की आईरिस मिलाएंगे कुल कितनी है, 50 साल पहले कितनी थी और अभी की देखें, तो वो सब एक ही जैसी है, वही रेशो चल रहा है, ठीक है। भले ही जनसंख्या कितनी क्यों ना बढ़ गई हो, लेकिन जो आईरिस का कलर है वो वही रहे, रेशो तो वही रहेगा कि नहीं? ये तो अब समझ में आया, फिर से समझ लो। देखो पहले सुनाऊंगा फिर पूछूंगा। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ पी प्लांट ऑफ येलो राउंड सीड एंड ग्रीन रिंकल्ड सीड ग्रेगर जॉन मेंडल फाउंड दैट, ठीक है, ड्यूरिंग पेरेंटल क्रॉस ही फाउंड दैट द प्लांट्स इन एफ टू जनरेशन वर येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, green round and green wrinkled in the ratio of 9:3:3:1. Further, he inspected and found that yellow versus green is in 3:1 ratio and round versus wrinkled is also in 3:1 ratio. This clearly indicates that the traits are inherited independently. उसका दूसरा मतलब नहीं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, अलग अलग थे अपने 3:1 के रेशो में अपने आप ही फॉलो कर रहा, रिपीट करो। सर मैं इन डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ पी प्लांट्स ही फाउंड ही क्रॉस ओवर होमोजाइगस येलो राउंड सीड्स विद होमोजाइगस ग्रीन रिंकल सीड्स ड्यूरिंग F1 जनरेशन एट द रेशियो में ही फाउंड द रेशियो बिटवीन In F2 generation, we found
क्या था सर? आप पूछ रहे हो ना सर, ग्रीन रिंकल्ड समझ में आ गया कि जो ट्रेड्स हैं वो 3:1 में होंगे, चाहे 10 ट्रेड्स को ब्लेंड कर दो, ठीक है? आपने किस कोई टमाटर हल्दी धनिया चटनी मिला के एक मिक्सचर बना रहे हो, तो जिस रेशो में जो चीज़ डालोगे वही तो रहेगी, चाहे 10 चीज मिला लो। जो जिस रेशो में इतनी सब्जी बनाओगे उसमें भी नमक जिस रेशो में रहता वही रहेगा, और इतना बना दो तो भी वही रेशो में रहेगा। उसके वॉल्यूम बढ़ जाने से फर्क थोड़ी पड़ेगा यार, डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हो तो अब चीज़ें बदल जाएंगी भैया, ठीक है? टॉलनेस तुम्हारी डॉफनेस के साथ 3:1 में रहती है, कहते नहीं हम टॉलनेस और डॉफनेस के साथ इस बार येलो और ग्रीन का भी ब्लेंडिंग कराएंगे, करा लो तो भी टॉल वर्सेस जो डॉफ है वो 3:1 ही रहेगी। कि वहां जाके चेक करोगे कि देखें अब क्या फर्क पड़ा, अब क्या फर्क पड़ जाएगा, वो इंडिपेंडेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, इट डज नॉट चेंज विद द क्रॉसिंग ऑफ एडिंग मोर एंड मोर वेरिएशन, उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? टॉल वर्सेस डॉफ वही रहेगा, चाहे तुम हरे नीले कराओ चाहे पीले कराओ। अब आगे की देखिए, नाउ ये चारों क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ जाइए। सो इसके बाद अब देखो इवोल्यूशन अब देखिए एक्सरसाइजेस पे आ जाइए। ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ रीडिंग, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उन्होंने पी प्लांट बियरिंग वॉयलेट फ्लावर विद शॉर्ट पी प्लांट्स बियरिंग वाइट फ्लावर। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर वन में मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए पेरेंटल क्रॉस में पैरेंटल क्रॉस में वॉयलेट फ्लावर दिया है, तो और फ्लावर और दूसरा क्या दिया है? वाइट फ्लावर। अच्छा आपके बुक में इसका फिगर भी दिया है, तो आपको एफ्रॉम जनरेशन पता चल रहा है कौन सा फ्लावर मिल रहा है, जरा देखो तो तीन वॉयलेट मिल रहा है, तो ये पैरेंटल फिनोटाइप हुआ, पैरेंटल फिनो और इसका जीनोटाइप क्या हुआ? अगर मैं ये बता दूं कि वॉयलेट डोमिनेंट है तो आप क्या वीवी लिखना पसंद करोगे? लेकिन बुक पर ऐसा नहीं कर रही है, यही एक एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर धोखा हो जाता है एक्सेप्शन। अब मेंडल ने जो लिया वो ले लिया, उन्होंने डब्ल्यू लेना पसंद किया, पता नहीं उनको वी से क्या इतराज था, लिया उन्होंने डब्ल्यू, नहीं तो सबने तो सही सही लिया। तो जबकि डोमिनेंट ये है इसका नेम लेना चाहिए था कि नहीं? तो अब इसके गेमीट बनेंगे वो क्या बनेंगे? डब्ल्यू डब्ल्यू। और इसके क्या बनेंगे? डब्ल्यू डब्ल्यू। ये गेमीट्स हो गए, दे सकते हैं, लेकिन ऐसा भी एक उन्होंने क्रॉस कराया फ्लावर का, ये देखो तो बोलो क्या क्या मिला? तो सारे फ्लावर्स कैसे मिले? ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट। वॉयलेट
बात मत करो, अलग से क्लास में चलाओ, ठीक है? अब ये जो भी चीज है F1 का, ये जीनोटाइप है जी सर, और F1 का फीनोटाइप, F1 फीनोटाइप है। फिर आगे हम करेंगे तो 3:1 में मिल जाएगा, क्योंकि वाइल्ड डोमिनेंट जैसे इसमें मिला था। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि द प्रोजीनी ऑल बोर वॉयलेट फ्लावर्स बट ऑलमोस्ट टॉल पी प्लांट लिया और वॉयलेट फ्लावर लिया, दो चीज डाइहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, दो क्रॉसिंग में क्या क्या फीचर लिया होंगे बताओ जरा। इतनी बात हो गई कि अब देखें कि सर आंसर क्या है, आंसर अभी तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, हमने पढ़ा नहीं है सर, इसमें निकालना क्या है? क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चलेगा, एक बार पढ़ो पता चलेगा। तो देखो, उन्होंने टॉल पी प्लांट को बियरिंग वायलेट फ्लावर्स किया, पहला क्या लिया टॉल प्लांट्स और वायलेट फ्लावर्स, शॉर्ट प्लांट, शॉर्ट प्लांट वाइट फ्लावर्स, ऐसा किया शॉर्ट पाए गए। तो क्या देखो यहाँ पे चार पाए गए, तो यानी ऑल वॉयलेट और हाफ शॉर्ट और टॉल वर्सेस ड्वार्फ कितना पाया गया? 3:1। कह रहे हैं कि अगर ऐसा पाया गया तो ये तो क्लियरली पता चलता है कि ये होमोजाइगस नहीं है, ये नकली टॉल है। तो अब क्या आप मुझे बता पाएंगे कि इनके क्रॉस में कौन कौन सा टाइप लिया गया है? कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, चलो ठीक है, ये बहुत सही बताइए। और ये देखो इसका बताओ जरा, स्मॉल टी स्मॉल टी और डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू सर, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू सर, वहां पे चीन स्मॉल डब्ल्यू हमें मालूम नहीं है, क्योंकि वाई प्रोसेस यहाँ मालूम नहीं कि क्या क्या आएगा, मैं इसे करूँ कैपिटल भी आएगा ना, भी आना चाहिए, वो सब हमने बता दिया जो उन्होंने भी नहीं दिया था, तो उस समय आप थोड़ा किताबों में कोई तो कनेक्शन में किया कि नहीं, इस समय अपनी पैदल क्लास में चलाओ, पढ़ा रहे थे कि नहीं आप उस समय? तो हमने कहा था पढ़ाना बंद कर दीजिए थोड़ी देर, हमारी भी बात सुन, चलो कोई बात नहीं आगे देखा जाएगा, बहुत चलता है। अब यहाँ इसमें ये क्या हुआ कि इनके क्रॉस में गैमीट क्या बने, ये चीज है, इसका इससे करो कैपिटल डी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, हर चीज जानते हैं, कैपिटल डब्ल्यू ये स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, चलो और ये स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अच्छा ये बताओ क्या आधे प्लांट टॉल आए आधे डॉफ आए, और क्या सभी वॉयलेट आए? क्या उसका भी रिजल्ट यही है बड़ो बुक में? कह रहा है कि सारे जो पाए गए हैं वो वायलेट हैं, लेकिन आधे टॉल हैं। तो बोलो, वो कह रहा है कि जो टॉल वाले हैं उनका जीनोटाइप क्या होगा? तो यही लेना ठीक रहेगा कि कुछ और जो अनुराग ने सजेस्ट किया? सर सी ऑप्शन, एक बात बताइए, इसके अलावा कुछ और ले सके तो बताइए, डबल टी ले लेंगे तो सारे टॉल आ जाएंगे। नहीं, ये तो ठीक है, तो लिखो सी इज करेक्ट।
सेकंड देखिए, थर्ड देखो, नाउ ये सब छोड़ो, फोर्थ, फोर्थ भी हो गया है, फिफ्थ देखिए, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन एक्सप्लेन द, सिक्स्थ देखो, एनालॉग का सेवन, सेवन्थ हो गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स छोड़ दीजिए, व्हाट एविडेंस डू वी हैव फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, हाउ वेरी हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर वेरिएबल वेरिएशन, बात मत करो, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अच्छा क्वेश्चन सर, इलेवन उपजाऊ, ठीक है, एक होता है इनफर्टाइल तो एक होता है वाइएबल, तो जो बच्चे को पैदा कर सके और ऐसे बच्चे को पैदा कर सके कि वो आगे भी बच्चे पैदा कर सके, मतलब बच्चा वाइएबल वाइएबल नहीं है, तो हम ये चीज देखें कि that is sexual reproduction give rise to more reliable variation than asexual reproduction. How does this affect the evolution of these organisms? ये भी evolution पे based है इसलिए बोल रहे हैं. How is the equal genetic contribution of male and female parents ensured in progeny? इलावा की देखो. Equal genetic contribution. कैसे पता चलता है गेमीट्स के थ्रू, मतलब जो भी इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल कंट्री, पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, कंट्रीब्यूशन इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन का मतलब समझे, हाउ इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स और कोई भी फीमेल हो और उनके चार बच्चे हुए हैं, सुन लो, चार बच्चे हुए हैं तो क्या मतलब उम्मीद की जा सकती है कि दो मेल होंगे दो फीमेल होंगे कि कुछ और भी सोच सकते हैं, क्या इसके अलावा भी कोई चांस है, नहीं वो हो सकता है वो रेयर केस है, लेकिन आप जब यहाँ क्रॉसिंग ओवर कराओगे तो 50-50 नहीं निकलता, किसी में भी हो 3-1 तो नहीं निकलता, दो मेल का केस आता है तो दो मालूम नहीं, पता नहीं क्या है, ऐसे है कि हाफ हाफ ही जाएगा, जब 50-50% है तो हाफ हाफ ही जाएगा, बोलो बात सही है कि नहीं, तो इस तरीके से इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन from male and female parents is ensured to progeny. Sir, आपने पहला question throw कैसे किया? From male and female parents. Sir, आपने दूसरा नहीं बताया. कौन सा? An example of homologous. Homologous और evolution में. Parents को कहोगे तो हम अलग से पढ़ाएंगे. From male and female parents. Is ensured to progeny as there is equal chance of male baby, मतलब male boy,
बेबी बॉय और बेबी का इक्वल चांस होगा कि नहीं? तो प्रोजेक्ट एस देयर इज इक्वल चांस ऑफ अ चाइल्ड टू बी reproduced to be either boy or girl and not one or girl. तो दोनों के इक्वल चांस होते हैं तो किस लिए? ठीक है. Now also 23 chromosomes are जो भी है कंट्रीब्यूटेड बाय मेल पेरेंट एंड 23 फीमेल बाय फीमेल पेरेंट. सो ईच चाइल्ड आल्सो गेट इक्वल हाफ जीन फ्रॉम देयर ईच ऑफ पेरेंट्स. तो इस तरीके से हम उल्टा भी देखें कि हमने अपनी माँ से आधे जीन पाए और अपने पिता से. सो आल्सो मेल जो भी है फादर मेल पेरेंट कंट्रीब्यूट so child get a pair of 23 chromosomes equal number of genes from both of his parents. ये सही कह रहा है. equal amount of gene सही क्वेश्चन कौन सा है विद द पकेट का वन बस होने आ गई कि दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं तो इक्वल रेशो में भी मिलता है और उसको भी दोनों से इक्वल मिलता है. आगे देखिए ओनली वेरिएशंस दैट कन्फर एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद विद सर्वाइविंग पॉपुलेशन. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट? ये भी डार्विन बात है लेकिन हम समझ लेते हैं. योग्यतम की उत्तर जीविता का सिद्धांत दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो योग्यतम है वही उत्तर में जीवित रहेगा. yes, sir, sir. बाद में sir, मतलब जैसे बहुत सारे जिराफ थे डार्विन ने बताया चार्ल्स डार्विन ने बहुत सारी जिराफ थे तो उसमें से जिनकी गर्दन लंबी थी पत्ते खत्म होते गए तो लंबी गर्दन वाले जो है वो क्या हुए? लंबी गर्दन वाले पत्तियां पकड़ ली जी गए और जो छोटे वाले थे उमर गया. इसी तरीके से उन्होंने जगह जगह जा करके उनको रानी एलिजाबेथ ने इतना पैसा दिया था कि तुम ये पैसा लो और ये हमारी नेवी का कर्नल है और ये उसके 5 लेवल अफसर है सब तुम्हारे साथ जाए तुम जहाँ जहाँ जाओ और जाओ पता लगाओ जो भी तुम्हें अनुसंधान करना है करो तो और खूब पैसा दिया. तो वो 7 साल की वॉयज में रहा आसपास कहीं कहीं गया और उसने बहुत सारा समय जो है साउथ अमेरिका में भी गुजारा. ये बिल्कुल ग्रेगर जॉन मेंडल के पैरेलल. जब उन्होंने उस समय उसका प्रयोग किया उसी समय कि पेयर में जीन अकर करते हैं दैट इज फैक्टर अकर इन पेयर तो उसी समय ये अपनी जो डार्विन की एवोल्यूशनरी बुक थी कि हाउ दैट इज ह्यूमन इज इवॉल्व एवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस तो दैट इज लाइफ ऑफ ओरिजिन ओरिजिन ऑफ लाइफ उस पर इन्होंने एक किताब लिखी जो बहुत फेमस है ओरिजिन ऑफ लाइफ. किसने लिखी? चार्ल्स. तो इन्होंने जहाँ जहाँ जाके अलग अलग जगह के कछुओं पर परीक्षण किया टॉर्टोइस पर तो उन्होंने देखा जो जहाँ का टॉर्टोइस है उसके आस पास की कंडीशन को सपोर्ट कर रहा है ऐसा लग रहा है जैसे नेचर जो उसको गोद ले रहा था यानी या तो उसका प्राइमो फ्लेश कलर है तो वो आस पास ही ग्रीन घास है तो उसका बिल्कुल वैसा ही कलर हो गया है या ऐसा कहीं कि वो जो टॉर्टोइस होते हैं ना तो टॉर्टोइस का वो अडॉप्टर है उसने चल अलग अलग जगह के टॉर्टोइस अलग अलग तरीके के मिले. तो इससे उनको ये पता चला कि जो जो भी एनिमल्स हैं वो उस जगह में सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर से अडॉप्टेशन डेवलप करते हैं.
कैसे अडॉप्टेशन करते हैं? इन्होंने कहा कि देयर आर, देखो बहुत सारे सिद्धांत बताए, देयर आर वेरिएशन अमंग स्पीसीज, देयर आर, पहली बात क्या बताई डार्विन ने, वेरिएशन अमंग स्पीसीज, सम वेरिएशन आर बेटर सूटेड टू हैबिटेट एंड सम आर नॉट बेटर सूटेड, ठीक है कि नहीं? सो इसलिए कि कुछ जानवर उसमें बेटर सूट कर जाते हैं एंड अदर्स कुड नॉट कोप अप, क्लाइमेट तो चेंज होता रहता है, जो बेटर सूटेड हैं दे सर्वाइव एंड हु कुड नॉट कोप अप दे डाई, हु बेटर सूटेड सर्वाइव एंड आल्सो अलाउ देयर जीन टू ट्रांसफर देयर नेक्स्ट, जो बेटर सूटेड हुए भाई आप ये समझिए गोद लेने वाली बात है, कुछ हरे बच्चे पैदा हो गए हमारे मतलब टर्टल क्यों चल जिसके इंसान के हरे बच्चे कैसे मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोई जा तन की झाई परे श्याम हरिद्युति होई, भाई श्याम हरे रंग के हो जाते हैं नीली राधा के परछाई पड़ने से, मान लो हम मतलब इसमें बताया कि श्याम की हरित द्युति है, श्याम मतलब नीला और पीला, राधा पीली है और श्याम नीले है और उन दोनों के मिलने से हरा रंग बना, नीला पीला रंग मिलाओगे तो क्या बनेगा हरा रंग, तो अब मान लो अभी अभी बॉलीवुड की वो जब मूवी बनी एवेंजर्स में उसमें एक लड़की भी एवेंजर की तरह हरी हो गई, हॉलीवुड तो उसमें आप ये देखो एक मूवी है लड़की को हरी, वो सुपर वुमन दिखाई गई, तो मान लो हाँ शी हल्क, हल्क की बात की जाए तो अब जो उसमें जो शी हल्क की पिक्चर है तो यहाँ पर देखे मान लो हम में से कोई अगर हरा पैदा हो गया जैसे शिवा हरा हो गया तो ये सुन ले तो ये पत्तों के पीछे छिप जाए, शेर इसे खा नहीं पाएंगे तो क्या प्रकृति इसको गोद ले लेगी, इसको कैमोफ्लेज का एडवांटेज मिल गया। तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास बीटल है, अब ये रेड कलर का बीटल है लेडी बग जिसके लिखा, अगर ये ग्रीन हो और पत्तों में छिप जाए तो देन द क्रॉप कैन नॉट लोकेट इट एंड कैन नॉट इट ईट, तो ये क्या करेगा, इट विल सर्वाइव एंड अदर्स रेड बीटल विल डाई, एज इट सर्वाइव सो it will allow its gene to flow its progeny अपनी आगे आने वाली of spring spore, या progeny को अपना gene दे देगा और वे भी सारे हरे पैदा होंगे, फिर इस तरीके से जो better suited होंगे they will be adapted by nature and unwanted will be eliminated, unwanted eliminated हो जाएंगे, और इस तरीके से आप देखोगे कि ऐसे ऐसे कीड़े पैदा होंगे बिल्कुल जो पत्ते जैसे ही हैं, पत्ते में बिल्कुल छिपा लेंगे उसी के कलर के पत्ता ही है, जब वो हिलते हैं टेढ़े मेढ़े अरे पत्ता नहीं तो कीड़ा है, अब देखो जंगल में ऐसे दिखता है डिस्कवरी है किसी भी चीज, समझ आई बात की नहीं, तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि ओनली वेरिएशन, एक वो भी होता है बिल्कुल लकड़ी का टुकड़ा होता है ना उसकी, हाँ तो ये देखो बिल्कुल सही बात है, सब बहुत सारे स्नेक्स भी भूत की तरह लगते हैं, अब मैं इसका आपको आंसर दिखाता हूँ कि ओनली वेरिएशन दैट कन्फर एडवांटेज, so the variation which is better suited, कैसे है better suited, which is better suited, variations which is better suited to climate या habitat, climate या habitat give, या नीशी भी कह सकते हो ना, नीशी भी आप लोग कहते हो, तो ठीक है वो क्या करते हैं गिव एडवांटेज ऑफ सर्वाइवल, एडवांटेज ऑफ सर्वाइवल, वो उसको जीने का एडवांटेज देते हैं आइदर ड्यू टू कैमोफ्लेज वो छिप सकते हैं या कुछ और भी रीजन होगा, वो जहाँ रह रहे तुम्हारे आस पास का माहौल क्या है, तुम्हारी निशी एक डेजर्ट की है,
निशी एनिमल पियरिंग सच वेरिएशंस देखो वेरिएशंस आर अडॉप्टेड बाय नेचर एंड दे मैनेज टू सर्वाइव जो पियरिंग सच वेरिएशंस क्या होंगे आर अडॉप्टेड बाय नेचर जैसे शिवम को लोगों ने प्रकृति ने गोद ले लिया ठीक है सो इट इज अडॉप्टेड बाय नेचर एंड दे मैनेज टू सर्वाइव अच्छा अब ये बताओ मैनेज टू सर्वाइव अगर वो सर्वाइव करेंगे तो क्या होगा प्रोलिफरेट और क्या अपनी आगे फलेंगे फूलेंगे एंड रिप्रोड्यूस चलो रिप्रोड्यूस लिख दो काम नहीं करेंगे क्या ये बात सही कि भाई इसी को हम कहेंगे अपने मम्मी पापा से या तो काम मम्मी कहेंगे काम ही करो शादी क्या करते बड़ी बात है ऐसी सोच बहुत कम लोग है आइडियोलॉजी नहीं देखो एंड रिप्रोड्यूस और प्रोलिफरेट ठीक है अब वो क्या करेंगे बताइए एंड देयर जीन विल फ्लो टू ऑनवर्ड्स जनरेशन आगे आने वाली जीन जो होगी ना जो वेरिएशन सो अब क्या होगा सर तो अगर कोई दो पेरेंट काली आंखों वाले तो उनका बच्चा कंजी आंखों वाला तो होता है विल फ्लो टू देयर फोर कमिंग जनरेशन एफ टू जनरेशन आ गया ना फर्स्ट जनरेशन में गारंटी होगा सेकंड में इतनी बात समझ में आ गई तो ये चीज हो गई एंड अदर्स आर एलिमिनेटेड अदर्स हु कैन नॉट कोप अप विद नेचर आर उन कुत्तों को जिंदगी भर मेटिंग का हक नहीं मिलता जो कमजोर होते हैं सर मैंने युद्ध देखा सर सर मैंने सर सर गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स के सामने हो रहा था युद्ध सर मैंने युद्ध देखा ऐसा होता सर कमरे में बीस बीस कुत्ते लड़ते हैं सर सच में मैंने युद्ध देखा सर लेकिन एक चीज है अब इस ये जो मेटिंग करते ना जो डॉगी उनमें फीमेल का बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका कुछ अंदर से निकल जाता है ठीक है हु कुड नॉट कोप अप उनका क्या है कि वो ग्रिप बना लेती है तो बस वही कुछ देर बाद फिर निकलते हैं हां बाद से निकालने से उनका जेनेटिक जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टूट जाते हैं सुने अब आगे सुनो देखो जो फीमेल है वो क्या करती है पीनस पे ग्रिप बना लेती है वो जब चाहेंगी तभी छोड़ेंगी कुत्ते ये उनकी प्रॉपर्टी है अब हम आगे देखें could not cope up with nature and die eventually or will die and eliminated will die and are eliminated यही तो होता ही है तो इस तरीके से आपने देख लिया ना कि किस तरीके से वेरिएशन कन्फर एडवांटेज है विच आर बेटर सूटेड टू नेचर इतनी बात अब हम समझ गए हैं ना सर ये फैन ऑफ कर दे समझ करो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स सर देख लो असेंटिटी टेस्ट में बस ये हेरिडिटी लेना कार्बन मत लेना सर कल किसका टेस्ट है सर बता दो कार्बन नहीं कार्बन नहीं संडे को किसका बस हेरिडिटी का भी होगा देखो ऐसी शर्त होगी तो कार्बन एंड कंपाउंड का ही लेना पड़ेगा अरे सर दोनों का ले ले कार्बन एंड कंपाउंड जरूरी है सर शुरू में तो सर संडे को सर बता दो कार्बन एंड कंपाउंड का तो लेना ही पड़ेगा नहीं तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगा हाँ बार्गेनिंग करोगे तो फिर ऐसे उल्टा
सर अभी जब तक नहीं पढ़ो तभी तक है।